व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एंड इन अदर ब्लॉग। तो गाइज मैं ऊपर आई थी मस्त अपना ब्लॉग स्टार्ट करने, और चलो अभी अपन नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। और हाँ गाइज, आज मतलब ये वाला मंथ सावन का मंथ स्टार्ट हो गया, मतलब सावन स्टार्ट हो गया है। तो हैप्पी मंथ ऑफ सावन टू ऑल, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको। और करो यार शिव जी की पूजा, करो मंदिर जाओ। अभी तो बस पहला सावन पड़ा नहीं, लेकिन सावन स्टार्ट हो गया 14 से, है ना। तो जाओ करो पूजा पाठ करो भैया, शिव जी को मनाओ। और अभी तो क्या, अभी तो अपन नहीं चलते। और ऊपर आने वेदर देखो, ये तो मैं वेदर की जगह आपको पेड़ दिखाती हूँ। अब वेदर दिखाऊंगी गाइस, देखो गाइस देखो कितना प्यारा वेदर। पतला करना मम्मी, हाँ पतला पीस में मेरे को इडली नहीं खाना, पानी डाल के पतला करना। आई लव डोसा, आलू आलू ही मंगा लेना, मस्त अपन चौपाटी स्टाइल डोसा बनाए। ठीक है, जल्दी फुला दे मम्मी डोसा। तो गाइस ये वाला रूम है ना, ये वाला भी पतला है। तो मैं ये सोच रही थी ये वाली जो सिलाई मशीन है ऊपर रख के, ऊपर मेरा कंप्यूटर टेबल रखा है वो मैं नीचे ले आऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना लैपटॉप रख सजा दूँ, लैपटॉप रख दूँ अलमारी में रखा है ना अभी, और जो जितने भी चार्जर केबल है यहाँ सब रख सोच रही हूँ। लेकिन ये बहुत भारी है, उठाते नहीं बने, मेरी अलमारी यहाँ शिफ्ट करते मतलब बहुत स्पेस बन जाएगी, फिर मेरा भी काम हो जाए, ईजी हो जाएगा। तो ये पूछ रही हूँ, पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे अपने मन से नहीं कर सकते। तो जैसे अगर मम्मी मम्मी लोग बोले उस हिसाब से, अभी तो मना कर रहे हैं तो अभी नहीं। भाभी हेलो बोलो। हेलो जम्बो, जम्बो हेलो 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 रविया, जम्बो देखा कान से हेलो बोला। मम्मी मम्मी हेलो बोलो, मम्मी बाय। अरे बाय रात में होता है, हेलो बोला। हेलो ये खाना, एक और है ना वो वाली कैप्सूल। ओह आई जस्ट हेट दिस। Is all time favorite. कैमरा देख के एक्टिंग, वो अपनी मस्त रोटी, और ये है चलो मस्त है, फिनिश करके मिलता है। ठीक है, वो वाला एपिसोड चल रहा है जिसमें दया की माँ अवार्ड लेने आने वाली है, तो ये तो आप हम देख लिए होंगे ऑब्वियसली। लेकिन यार सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ी चीज़ यही है अभी दुनिया में कि दया की माँ कौन है जो इतना ज्ञान देती है। तो यार अभी मैंने मतलब खाना नाश्ता किया हूँ, फिर दवाई खाई और मोबाइल थोड़ी देर चार्ज पर लगा दी थी। और अभी जब मैं ब्लॉग फिर से कंटिन्यू मतलब स्टार्ट कर रही हूँ, देखिए मेरे घर में सब सो रहे हैं, सब ऊपर भी सब सो रहे, माए में तो काम पे चली गई, और मम्मी भी सो रही है, हम दादी भी सो रही है। तो मैं क्या कैमरा ले घूम, लेकिन मैं भी बहुत बेकार हूँ, मैं उठाऊँगी परेशान करती हूँ। मैंने लिया था इन्जॉय करो, क्या दिन भर भी सोना, मेरे को तो नींद ही नहीं आती दिन में। अगर मैं पूरी नींद ले लेती हूँ ना रात में, तो मेरे को दिन में नींद नहीं, लोग पूरी नींद लेने के बाद भी दिन में सो जाते, ऐसे इंसान है यार पता नहीं। तो चलो अभी इनको परेशान करते हैं और उठाते हैं, है ना गाइस। क्या मम्मी दाल चावल नो सब्जी? ओहो नो सब्जी, पानी चम्मच से खाऊंगी, मेरी चम्मच, वेयर इज माय चम्मच। भिंडी दिन वाली सुबह वाली, खुश हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अब जरा खाना खा रहे हैं तो तारीख में तो लगा लिया जाए, फिर उसके बिना फिर खाना उतरने से रहा। तो पहले मैं खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं उसके। ठीक है गाइस, मेरा खाना में अभी सब डन हो गया है, और अभी थोड़ी देर से ऊपर जाऊँगी। अभी तो हो रहा है, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 3:16 हो रहा है। तो इतनी जल्दी क्या करूँ मैं, तो ऊपर जाएंगे जब थोड़ा वेदर अच्छा मस्त झकास वेदर रहेगा। अभी थोड़ा सा मैं आधे घंटे का नैप लेती हूँ, नैप मतलब सोऊंगी नहीं, थोड़ी देर मोबाइल चलाऊंगी,
जब दिखती कुछ और एडिट कर लेती हूँ ना, तो चलो फिर मिलती थोड़ी देर से, ठीक है। तो गाइज अभी मैं ऊपर जाते हैं अभी अपन, है ना, क्योंकि कितना टाइम हो रहा है, 4:21 हो गया। मैंने आपसे बोली थी ना मैं ऊपर जाऊँगी, इसको देखो ये पहले जाना है इसको। चलो चलते हैं यार, सबसे थक जाते हैं ऊपर आते रहते। छत आने के लिए मैंने घड़ी पहनी, देखो चल रहा है बहुत ज़्यादा। गाइस 2 मिनट, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर बात करती थोड़ी देर से। तो गाइस मानसून कितना प्यारा लगता है, मानसून में बारिश तो है ही, लेकिन जो मतलब वेदर बन जाता है ना यार, बहुत प्यारा लगता है। वेदर और बारिश मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन वो गंदगी नहीं पसंद है जो रोड में होती है यार, लेकिन क्या करे, है वो भी पार्टी है, मानसून का पार्ट है भैया वो भी। और वैसे भी अभी सावन चल रहा है, सावन में तो बारिश होनी ही होनी है, चाहे वो दिन में हो या शाम को या सुबह, मतलब एक दिन में एक बार तो होनी होनी है। शायद सुबह हुई थी बारिश, और अभी मौसम है बारिश का, मैं दिखाती हूँ, रुको देखो देखो, पूरे ब्लैक 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 बादल हैं। और हमको कितना अच्छा लगता है, देखो हमारे यहाँ पूरी ग्रीनरी रहती है, मतलब हमारे यहाँ भी है, वो भी पेड़ है, और भी है पेड़ है, यहाँ पे मैं पेड़ दिखाती हूँ आपको। देखो देखो गाइस, ये भी पेड़ है, और वो देखो, मतलब मैं आपको 2 मिनट, देखो पूरा वहाँ पे पूरे मतलब पूरा ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी है, तो पूरा मतलब ऐसे घर जगह मतलब ग्रीनरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, मस्त बहुत सारे एडवांटेज होते हैं यार ऐसी ग्रीनरी के। देखो हमको नेचुरल एयर मिलती है, नेचुरल ऑक्सीजन मिलता है, और हर चीज़ का मतलब, और मतलब होना चाहिए घर के आसपास एक आध ऐसे बड़े से मतलब पेड़, और जो कि नीम का पेड़ है, मतलब नीम का पेड़ तो बेस्ट है ना, तो होना चाहिए ऐसे घर के पास ऐसा बड़ा पेड़ होना चाहिए, ताकि आपको नेचुरल ऑक्सीजन मिले, और नीम का पेड़ हो तो फिर बेस्ट है। अगर इसमें एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको, देखो हमारे यहाँ ना कितने दिनों बाद गुलाब हमारे गमले में है, मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ मेरे को, ये देखो गाइस, ये रो कट लग गया, ये रोज ये वाला, अबे ये वाला सूख गया, ये सूख गया, ये वो भी है देखो, और यहाँ पे भी है, ये रेड है और ये है पिंक, पिंक है ये, पिंक ये देखो, ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे इतने नीचे से कैसे जा रहा है प्लेन, है ना, क्योंकि डुमना एयरपोर्ट है यहाँ से, तो अब यहीं से टेक ऑफ हुआ होगा ना, तो इसलिए टेक ऑफ लैंड आ रहा है। लेकिन बैठने की बहुत इच्छा है यार, बैठेंगे कभी, बैठेंगे ज़रूर ज़रूर बैठेंगे। और वैसे एयरपोर्ट मैं डुमना गई हूँ, और मैं अर्पिता के, मेरी फ्रेंड है ना अर्पिता, उसके बर्थडे में उसकी इच्छा हो रही थी कि मेरे को एयरपोर्ट देखना, हम लोग एयरपोर्ट मतलब डुमना का सबसे आखिरी एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट क्या है, कुछ नहीं है फिर डुमना में, कुछ भी नहीं, मतलब बंद है, रोड ही बंद है। तो डुमना हम लोग एयरपोर्ट गए थे, लेकिन हम लोग अंदर जाने के लिए डर रहे थे, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था ना, तो हम लोगों ने नहीं गए, क्योंकि हम लोग बेइज्जती मतलब भगाते सच, हम लोग खुद ही नहीं गए, अगर वहाँ से भगाया जाता तो फिर बेइज्जती हो जाती, हम नहीं गए। लेकिन हम लोग अभी जब भी हम लोग जाएंगे ना, तो हम लोग ज़रूर जल्दी निकलेंगे और डुमना जाएंगे, क्योंकि डुमना दूर है, और डुमना है लेकिन एयरपोर्ट दूर है, डुमना तो अपन पहुँच जाते हैं लेकिन एयरपोर्ट दूर है, तो अंधेरा हो जाता है ना, और फिर हम लोग डुमना भी इंजॉय नहीं कर पाते, तो इसलिए जल्दी जाके आपको एयरपोर्ट भी दिखाएंगे, अगर अंदर जाने मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, बाहर से ही आ जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर, वैसे बाहर से दिखा के लाएंगे, और हम भी घूमेंगे, क्योंकि रोड बहुत प्यारी है, और बहुत मज़ा आता है हम लोग को वहाँ से जाने में। और डुमना तो है ही मेरी मतलब सुकून वाली जगह, जब मम्मू उठा के डुमना चले जाओ ना। चलो भाई थैली ले ली अपन ने, चलते हैं सब्जी लेने। लौकी है भैया, कितने की एक है, एक कितने की है, 30 की दोनों, और अदरक परवल
अदरक भी दे दो, डाल दिया अदरक, बस बस। तो वही सामान वामान ले लिया, अपन घर चलते हैं, ठीक है, घर में मिलती हूँ। ये वक्त ये अम्मा की है, ये अम्मा को दे देते हैं अपन। हट हट ले। तो गाइस अभी 7:05 हो रहे हैं और मैंने मतलब मैंने सब्जी भी लाई थी, रास्ते में ना भुट्टा वाला था तो भीड़ थी तो मैं रुकी नहीं। तो मम्मी अभी कुछ सामान लेने गई थी तो मेरी मम्मी मेरे लिए ले आई, तो मम्मी शायद वो मेरे लिए भुट्टा लेके आई। देखते ना तो अच्छा हो जाती है, ऐसे कोई बहुत मन मतलब देखो ना तो बहुत मन हो जाता है खाने का। खाने के बाद बोलते मिल गया, लो लो ये बचा है इतना। जैम्बो ले रहा है बारिश के मजे। बिस्किट बिस्किट दिला दे मम्मी यार, बिस्किट लेके इसके लिए लाना पड़ता है भाई। जल ले मम्मी जाके ले। क्रैक जग खाता बहुत एक्टिंग कर, बहुत मीन धर दे यू नो। बिस्किट खा लो ठीक है, देखो इनो। ओ हो मेरा जैम्बो गर्मी में बैठा था। ओ बेटा इनो रख देते हैं अपन यहाँ। और मैं फ्लाइंग बेस्ट का वो देख रही थी, ब्लॉग देख रही थी, क्योंकि अभी डाले उन्होंने 15 मिनट्स पहले डाले तो मैं देख ली। क्या देखी, वो वाला ब्लॉग था अरे जिनको अभी अरेस्ट नहीं करते थे बर्थडे वाले दिन, तो आज वो क्लियरिटी दे रहे थे कि मतलब किस लिए कैसा मतलब पुलिस वालों ने कैसा किए ये सब का मतलब वो ब्लॉग दे। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कब देख लो क्यों अरेस्ट किया, बट उनकी कोई गलती नहीं थी। और वही जो सामने वो पुलिस वालों ने गलत की ये सब की, वो ये सब बता रहे थे, क्योंकि एक्चुअली में जो फ्लाइंग बेस मुझे मतलब है वो इतनी उनको नॉलेज है कि उनको ऐसे भी मतलब ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो उन लोगों ने ऐसे झूठ बोल के पुलिस स्टेशन ले गए, वो सब का ब्लॉग था तो वही सब देख रही थी। पार्ले जी क्यों लाई है, क्रैक जग खाता है ना ऐसे। ही इज शूटिंग पार्ले जी ऑल्सो, ही इज टूसिंग पैकेट। कल दे देती एक पैकेट, अभी बिट्टू अंकल भी खिलाएंगे उसको। पेट उसका है। बहुत एक्टिंग करने लगा यार ये। फिर चावल नहीं खा रही मैं, अवॉइड कर रही हूँ, रोटी खा रही हूँ, डॉक्टर ने बोला इसलिए भी, और वेट लूज करना इसलिए भी। तो यार गाइस अभी टाइम हो गया मेरा ब्लॉग एंड करने में, रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी मैं जल्दी एडिटिंग करके जल्दी सो रही हूँ, तो सुबह मैं जल्दी उठ रही हूँ अभी भी, और ब्लॉग भी अच्छे से सुबह स्टार्ट कर पाऊँगी है ना। तो या गाइस मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और खुश रहो, हैप्पी रहो, मस्त रहो, चिल रहो, और जय हिंद, बाय बाय।